नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज की प्रमुख न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगाबाद हादसे के बाद सीएम हेमंत सोरेन बोले, जो जहां है वहीं रुके, सबको वापस लाएंगे। सीएम ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाना राज्य की प्राथमिकता है। उन्होंने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, जहां है वहीं रुके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से तमाम राज्यों में फंसे लोगों को ला रही है। आपको बताते चले, शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकले थे। बताया जा रहा है कि जिस दौरान हादसा हुआ, उस समय वे लोग ट्रैक पर आराम करने के लिए रुके थे। रिम्स से कोरोना के 23 मरीज ठीक होकर निकले। शनिवार को रांची के रिम्स के कोविड 19 अस्पताल से कोरोना के 23 मरीज ठीक होकर निकले हैं। इन सभी की रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आई है। इस खबर से उन मरीजों के परिवार वालों में खुशी है। ये सभी संक्रमित कोरोना मुक्त घोषित किए जाते हैं। रिम्स के कोरोना वार्ड में तैनात डॉक्टरों की टीम ने यह खुशखबरी दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पड़ा हार्ट अटैक, गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखे गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ा, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। धनबाद में माँ बेटे मिले कोरोना पॉजिटिव। पीएमसीएच धनबाद ने शनिवार को 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 156 पर पहुंच गया है। बेतला नेशनल पार्क में जीवाणु संक्रमण का खतरा, सैनिटाइजेशन का काम शुरू। कोरोना संक्रमण की संकट से जूझ रहे पूरे विश्व के बीच बेतला नेशनल पार्क जीवाणु संक्रमण की चपेट में आ गया है। एक सप्ताह के अंदर 2 जंगली भैंस वाइसन की हुई मौत ने विभाग को चिंता में डाल दिया है। स्थानीय चिकित्सक चंदन देव ने दोनों की मौत का कारण वेक्टोरियल इन्फेक्शन बताया है, जबकि अभी लैब की रिपोर्ट आनी बाकी है। ईडी ने सोनिया गांधी के करीबी मोतीलाल वोरा को नोटिस किया जारी। मुंबई में 16.38 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तित कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड AJL के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी और पार्टी के महासचिव मोतीलाल वोरा को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही आरोपों की जांच के सिलसिले में मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 9 मंजिला इमारत का एक हिस्सा कुर्क किया है, जिसकी कीमत 16.38 करोड़ रुपये आंकी गई। कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के मिशन वंदे भारत के तीसरे दिन पहली फ्लाइट ढाका से आई। तीसरे दिन अलग अलग देशों से 7 फ्लाइट और आएगी। इससे पहले मिशन के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 5 उड़ानों से भारतीयों की वापसी हुई। मिशन के पहले 2 दिन में 7 फ्लाइट आई, सबसे ज्यादा 4 विमान केरल पहुंचे। कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता शुरू, राजनाथ सिंह ने कहा, तीर्थयात्रियों को अब 3 की बजाय 1 ही हफ्ता लगेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब काफ़ी आसान होगी। उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपू लेक धारा चूला मार्ग शुक्रवार से शुरू हो गया। 80 किलोमीटर लंबे इस रास्ते का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अमित शाह का खत, लोगों ने मेरी मौत की दुआ मांगी, चिंता न करें, मैं स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की सेहत को लेकर लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी। शाह ने आज सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए लिखा, मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई है, यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एक फर्जी ट्वीट करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। झारखंड में 11 ब्रांड के पान मसालों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध, बिक्री भंडारण और इस्तेमाल पर रहेगी रोक। राज्य में पान पराग रजनीकंधा बीमल समेत 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री पर अगले 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव सह राज्य के खाद्य संरक्षण आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की ओर से आदेश जारी किया गया। पिछले साल में इन पान मसालों के 41 सैंपल जांचे गए थे। जांच में अधिकांश पान मसालों में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। ये था आज की खबर। डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्विक नॉलेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।